तो गाइस अभी आज मैं बनाने वाला हूँ एक कीड़ा। ये दूसरे टाइप की एक प्रजाति का कीड़ा है जो रात को निकलती है और इसको खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइस आज इस कीड़े को हम टेस्ट करने वाले हैं कैसा लगता है। तो आप लोगों को पता होगा अगर इस कीड़े के नाम क्या है तो ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा। चलिए तो इसको बनाते हैं रेसिपी। तो गाइस इसको बनाने के लिए पहले सर्च किया, एक मैंने प्याज काट लिया है और साथ में तेल में ऑलरेडी मिर्ची डाल दिया हूँ ताकि ये पहले पक जाए। तो अभी इसके बाद मैं डालूँगा प्याज और मिर्ची को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि ये जो लाल लाल हो जाए। तो उसके बाद इस कीड़े को डालना है इसमें। तो गाइस मैं अभी भून रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा भूनने में। अभी इसमें मैं नमक और हल्दी चढ़ा दूँगा ताकि ये जो नमक है भून जाए और हल्दी भी जाए, उसका महक जो हल्दी का महक ना आए, तो इसलिए हम हल्दी और नमक डालेंगे इसमें। तो अभी फिलहाल मैं डाल दिया नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालना है आपको। और डालने के बाद थोड़ा भूनना है ताकि नमक जो है अच्छी तरह से प्याज में लग जाए और थोड़ा नमक भी भून जाए। तो अभी मैं डालने वाला हूँ हल्दी। तो हल्दी मैंने डाल दिया हूँ, हल्दी को भी थोड़ा अच्छी तरह से भून लेना है ताकि उसका जो महक हल्दी का जो महक होता है वो ना रहे। तो गाइस मैंने दोनों को अच्छी तरह से फ्राई कर रहा हूँ, फ्राई ऑलरेडी मेरा हो चुका है, लाल लाल हो गया, देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो गाइस मैं अभी डालने वाला हूँ इसमें कीड़ा। तो कीड़ा जो है बहुत ही फ्रेश करके मैंने साफ कर दिया था, अभी मैंने इसको डाल दिया कीड़ा। और डालने के बाद इसको बढ़िया से उसको ऐसी करना है, लड़ाना है ताकि जो है प्याज और मिर्ची जो इसमें लग जाए। तो बढ़िया से इसको भूनना है, भूनने के बाद इसको हल्का सा हम ढक देंगे ताकि ये जो है कीड़ा बॉईल हो जाए। तो गाइस मैंने बढ़िया तरह से इसको भून रहा हूँ, एकदम अच्छी तरह से भून रहा हूँ इसको ताकि इसका स्वाद टेस्ट बढ़िया हो जाए। तो गाइस अभी मैं इसको थोड़ा हल्का सा, देखो कैसा लग रहा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको ढक दूँगा, ढकने के बाद फिर 2 मिनट बाद इसको मैं खोल लूँगा। तो गाइस अभी मैंने खोल लिया हूँ, तो देखो बढ़िया तरह से ये भून चुका है ऑलरेडी और इसका बॉयल भी हो चुका है। तो लगता है मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, पानी डाल के फिर एक बार मैं ढक दूँगा, उसके बाद फाइनली मेरा ये जो है रेसिपी बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं हल्का सा पानी डालता हूँ इसमें, पानी डालने से ये जल्दी सी बॉयल हो जाएगा और अच्छी तरह से मतलब भून जाएगा। तो गाइस अभी देखो मैं भूनी रहा हूँ ताकि इसका जो स्वाद टेस्ट अच्छी तरह से आए। अब लोगों को पता नहीं होगा अगर इस कीड़ा का नाम क्या है तो मैं बता देता हूँ। ये कीड़ा का नाम है उसरुंगा बोलते हैं हम लोग इधर। और ये जो रात को निकलता है, ये गड्ढे में रहता है, मिट्टी के गड्ढे में रहता है और निकल के ये किर रोता है। तो गाइस ये जो है बहुत ही अच्छा कीड़ा है, खाने में बहुत टेस्ट है। तो गाइस फाइनली मेरा जो कीड़ा भून चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगा कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ता डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो गाइस ये देखो मैंने कड़ी पत्ता हाथ में लिया और डाल दिया कीड़े के ऊपर, तो इतना अच्छा है, इसका महक तो बहुत ही अच्छा है। गाइस इसको अभी डाल के और अच्छी तरह से इसको तरह भूनना है ताकि पत्ता जो है इसके साथ मिक्सिंग हो जाए। तो गाइस देखो ऐसा करके भूनना है ताकि ये जो पत्ता है इसके साथ भून जाए और इसका स्वाद जो है पत्ते का आपके कीड़े के अंदर घुस जाए। तो गाइस बेसिकली गाइस ये पत्ते खाने से भी बहुत हेल्दी है और उपकारक भी है ये पत्ता, करी पत्ता। तो गाइस देखो ये पत्ता जो है पूरा भून के इसके साथ मिक्सिंग हो चुका है। तो गाइस अभी फाइनली मेरा जो है रेडी है बन के कीड़ा उसरुंगा, उसरुंगा कीड़ा रेडी है। तो गाइस इसको अभी बारी है खाने की। तो गाइस अभी देखो और अच्छी तरह से थोड़ा मैं भून रहा हूँ ताकि इसका जो स्वाद और बढ़ जाए। तो गाइस देखो ऐसा करके थोड़ा भूनना है, हल्का सा भून के अभी मेरा जो कीड़ा है वो बन के रेडी है। तो गाइस चलिए अभी इसको हम उतारते हैं अपने ये देखो गाइस भून चुका है ऑलरेडी, इतना प्यारा लग रहा है, एकदम टेस्टी लाजवाब है गाइस देखो। और इसको खाने से इतना टेस्टी लगता है गाइस, क्या बताऊँ, मैंने खाया नहीं लेकिन फिर भी आज इसको देख के पता चल रहा है जी इसका टेस्ट भी कितना अच्छा होगा गाइस। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट की बारी आ चुका है। तो गाइस ये देखो मैंने ऑलरेडी कटोरे में ले लिया हूँ, तो इसको खाने की बारी है। तो गाइस अभी खाएंगे, चलिए खा के भी इसको टेस्ट बताते हैं कैसा लगता है गाइस। तो वीडियो में बने रहिएगा और आप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल। ये देखो
ये जो हमने बनाया था कीरा, ये बहुत ही अच्छा कीरा है। ये देखो बाटी में देखो, बिल्कुल अच्छा लगता है। शेयर करना, लाइक करना। बाय बाय।